Hey there viewers, welcome to my channel Dream Tarot and hope you are doing good in your life and enjoying watching my channel and video. I'm needing to inform you that I'm doing private reading. Also, if you interested in to get reading from me, contact me in the link below and I will we will negotiate about the payment if possible. For you to pay, then contact me for your personal readings. Thanks for watching. Hey there, Libra. Welcome to my channel, Dream Tarot. ये आपके month of September की reading है. मैं ये reading bonus reading कर रही हूँ for the sign of Libra. So मैंने card जो है वो पहले shuffle कर लिए. अब देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है रीडिंग्स में. सेवन ऑफ कप, नाइन ऑफ कप्स, द चैरियट एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड अंडरनीथ दैट यू हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स. सो आप अपनी लव पार्टनर्स के अब बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं अपनी लाइफ में और अबंडेंट भी हैं इस वक्त. और हो सकता है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल आपके पार्टनर हों, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट फन मोमेंट अपनी लाइफ में गुजार रहे हों. और हो सकता है कि आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपके पास आना चाह रहे हों इस वक्त. सो इस वजह से ये सिचुएशन बन रही हो. लेकिन कुछ फाइनेंसेस का मसला हो सकता है इस वक्त. लेकिन आपके पार्ट या आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशनशिप में ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं. इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. या तो एक पर्सन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे मूव फॉरवर्ड कर सके. यानी कि आप लोग अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के साथ मूव फॉरवर्ड कर सके, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है आप लोगों को. या फिर आप अपने पार्टनर के पास ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, या आपका पार्टनर आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, उसके लिए आपको फाइनेंसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है इस वक्त. फाइनेंसिस को गैदर करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को. बट बहुत सी कन्फ्यूजन है. अगर ये रिलेशनशिप मैटर ये इस बात की इंडिकेशन कर रहे हैं ये एट ऑफ पेंटिकल कि आप और आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी अब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस वक्त. आप लोग किसी कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शन आप लोगों के पास हैं इस वक्त, या आपके पास हैं या आपके पार्टनर के पास हैं, या बहुत कन्फ्यूजन है इस रिलेशनशिप में. आप अपनी विश को पूरी करना चाहते हैं, या आप अपने पार्टनर के साथ एक सक्सेसफुली अपने रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर मंथ ऑफ सितंबर में आप और आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में कामयाब हो गए हैं और इन कन्फ्यूजन से आप लोगों ने छुटकारा पा लिया है. अब आप लोग एक सेम पेज पे हैं जहाँ आप लोग की विशेष एक दूसरे के लिए पूरी करने की के लिए विलिंग हैं आप लोग, और अपनी रिलेशनशिप को आगे लेकर चलना चाहते हैं. हो सकता है आप किसी फायर साइंस से डील कर रहे हो, एरीस, लियो, सैजिटेरियस, और या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं, या आप इस किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हैं कि आप इस बार रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एफर्ट आप लोग डाल रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हुए हैं ये आप या आपके पार्टनर इस टाइम. ये इस रिलेशनशिप को किस तरीके से कि इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हर चीज़ आप करना चाहते हैं इस वक्त. एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की इस वक्त या आपकी है, ताकि आप लोग एक प्रैक्टिकली वर्कआउट करने के लिए इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं. अब देखते हैं ये सेवन ऑफ कप्स जो हैं वो क्या है फॉर द साइन ऑफ लिब्रा.
What is the seven of cup for the sign of Libra? What is the seven of cup for the sign of Libra? What is the seven of cup for the sign of Libra? What is the seven of cup for the sign of Libra? What is the seven of cups for the sign of Libra? What is the seven of cup for the sign of Libra? लॉट ऑफ कार्ड्स हैं, मैं इनका इनको नहीं लूँगी. सो हो सकता है आप या आपके पार्टनर जो हैं वो सेपरेटेड हों कुछ अरसे के लिए. ये क्वीन ऑफ वॉर के क्वीन ऑफ सोर्स जो है वो आई है. हो सकता है आप लोग की कुछ कम्युनिकेशंस भी हार्श कम्युनिकेशन भी एक दूसरे के साथ रही हो सकता है अगर सेपरेटेड हैं आप लोग या बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और इनसफिशिएंट हुए हुए हैं इस वक्त. ये कार्ड इसके ऊपर गिरा हो सकता है ये जो है आपकी एनर्जी हो कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट में हो, कुछ क्लियरिटी आप लोगों के सामने आई हो इस हवाले से, इस कन्फ्यूजन के हवाले से. आप लोग कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से अलग हो गए हैं. किसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप या आपके पार्टनर अलग थे एक दूसरे से, लेकिन अब आप जो है इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं. देखते हैं कि इन कार्ड्स को आपके आउटकम के लिए ले लेते हैं कि अब जो है डिवाइन टाइमिंग वर्कआउट कर रही है आप लोगों के लिए. ये कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट और ये सिंगल और जो भी सेपरेशन थी वो एक अब जो है वो अलग उस पे चली गई है, एक साइड पे हो गई है. लेकिन अब जो है आप और आपके पार्टनर जो है एक सेम पेज पे आ चुके हैं और एक दूसरे के साथ आप लोगों की विशेस हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोग और हर वो चीज़ कर रहे हैं आप लोग. एक्शन ओरिएंटेड हुए हैं इस वक्त आप या आपके पार्टनर कि हम इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है. और ये डिवाइन टाइमिंग है कि चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में. ये कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन एंड हो रही है और एक नई बिगनिंग हो रही है आप लोगों की लाइफ में, जो कि सक्सेसफुल है. आप लोगों की मैरिज या लव रिलेशनशिप जो भी है वो एक सक्सेसफुल फुली मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे के साथ. सो या तो आप लोगों को ये कन्फ्यूजन थी, हो सकता है आप लोग सेपरेट होना चाहते थे एक दूसरे से, डाइवोर्स वाली सिचुएशन आ गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. एक क्लैरिटी आप लोगों को आ गई है कि आप दोनों को एक साथ मूव करना है आगे और ये बहुत ज़्यादा फन, एनर्जेटिक और पैशनेट रिलेशनशिप बन गया है. एक नई बिगनिंग हो रही है आप लोगों की लव लाइफ में, पैशनेट इन मंथ ऑफ सितंबर. ये आप लोगों के लिए एक पैशनेट बिगनिंग है. सो होप चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर हों आपके रिलेशनशिप में. बहुत अच्छी जा रही हैं, मुझे तो यही नज़र आता है कि चीज़ें अच्छी चल रही हैं इन मंथ ऑफ सितंबर. सो होप इट्स रेजोनेट्स यू लिब्रा. इफ सो प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन कमेंट्स बिलो. लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.